दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। साउथ और नॉर्थ मूवीज को लेकर के, स्टार्स को लेकर के हमने अक्सर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के फैंस के बीच में झगड़ा देखा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये झगड़ा जो है ना प्यार मोहब्बत में जल्दी बदल जाएगा। उसका क्या कारण है? पैंडेमिक के बाद से हमने देखा है कि ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ है ना, अब ये यूनाइट हमें नजर आ रहा है। धीरे धीरे हम बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, इन सबसे हटकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ओर बढ़ते जा रही हैं। उसके रीजन ये है कि दोनों, तीनों, चारों इंडस्ट्री आपस में मिलकर काम कर रही है। इधर के स्टार्स उस मूवीज में काम कर रही हैं और वहाँ के स्टार्स इस मूवी में काम कर रहे हैं, यानी कि तेलुगु, तमिल, बॉलीवुड में आ जाते हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स वेरियस लैंग्वेज वाली फिल्में चले जाते हैं। ऐसा ही 2024 में भी देखने को मिलेगा, जब बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाए जाने वाले जो कभी हीरो का रोल करते थे, वो अब जाएंगे विलन बनने साउथ में। तो वो कौन से एक्टर्स हैं? ये तीन एक्टर इसमें टॉप लिस्ट में है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर एक, हमारे अपने लॉर्ड बॉबी देओल। लॉर्ड बॉबी या फिर बॉबी देओल कह दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बॉबी देओल को इस टाइम पर काफी हाइप मिली हुई है एनिमल की वजह से। एनिमल में उनका रोल छोटा था लेकिन ह्यूज इंपैक्ट रहा था और उनके एक्टिंग के सभी दीवाने हो गए। विलन के रूप में तो उन्होंने सभी की तालियां रणबीर से ज्यादा बटोर ली थी, यानी कि जो रणबीर को मिलनी चाहिए थी वो उन्हें मिल गई तालियां। अब वो साउथ इंडस्ट्री में पहली बार काम करने वाले हैं और विलन के रूप में वो तबाही मचाने वाले हैं। वो सूर्या की मच अवेटेड मूवी कंगुआ में विलन के रोल में दिखाई देंगे। जैसे ही इस फिल्म का पोस्टर आया था, सभी ने कहा था कि भैया लॉर्ड बॉबी फाड़ देंगे। इसके साथ साथ इसमें जो मेन लीड होने वाली है एक्ट्रेस, वो है दिशा पाटनी। भगवान के लिए इस पिक्चर में उन्हें मत मारना, क्योंकि उनका करियर भी मर जाएगा। अगले स्टार की तरफ चले तो वो है सैफ अली खान। सैफ अली खान साउथ की एक मूवी में काम करने वाले हैं जिसका नाम है दीवारा। दीवारा की बात करें तो ये जूनियर एनटीआर की फिल्म है। 2024 में अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन होगी सैफ अली खान की वजह से। लेकिन इसमें सैफ बाबू की भी गलती नहीं है, उनको इंजरी हो गई जिसके चलते जो है फिल्म में डिले हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली पहली बार जो है साउथ की फिल्म में काम करेंगे सैफ, क्योंकि जो आदि पुरुष थी वो प्रॉपर साउथ की फिल्म नहीं थी, उसे बॉलीवुड की फिल्म कहे तो बेहतर रहेगा। तो पहली बार सैफ अली खान एक प्रॉपर साउथ की फिल्म में काम करेंगे और ये एक तेलुगु फिल्म होने वाली है। और दीवारा पार्ट वन में जूनियर एनटीआर के जो गेम्स हमने देखे थे वो बहुत बढ़िया थी, और सैफ अली खान विलन बनते हैं जब, तब वो क्या करते हैं ये हमने तानाजी में भी देखा था, और जब वो रावण बने थे तब भी हमने देखा था। फिल्म बकवास थी आदि पुरुष, लेकिन सैफ अली खान ने अपने रोल तो अच्छे से किया था। फिर आ जाते हैं नंबर तीन पर, हमारे अपने इमरान हाशमी। इमरान हाशमी अपने इमेज को जिस तरह से साफ कर रहे हैं ना, अगर उस तरह से हमारे देश में सारी सड़कें साफ रहें तो भाई मजा आ जाएगा। वैसे इस बात को दिल पर मत लीजिए, हमारे देश में सड़कें काफी ज्यादा साफ रहने लगी है। चलिए आपको बात बता दूं कि अब वो किस फिल्म में आने वाले हैं। वो आने वाले हैं पवन कल्याण की ओजी में, यानी कि ओरिजिनल गैंगस्टर में। हाँ, साउथ से पहले हॉलीवुड में 90s में फिल्म बन चुकी है, लेकिन टाइटल उठाने में क्या जाता है। ओरिजिनल गैंगस्टर में जो है गैंगस्टर का ही रोल करने वाले हैं इमरान हाशमी, और ये भी उनका साउथ की मूवी में डेब्यू होगा। वो भी एक तेलुगु मूवी कर रही हैं और इसमें वो विलन बनने वाले हैं। टाइगर 3 में जैसा उन्होंने रोल किया था, सभी ने उनको ये कहा कि भैया आप इस तरह के रोल और कीजिए, आप पर सूट करता है, तेनु ए रोल काफी सूट करता, पंजाबी जितनी मेरी खराब उससे कई लाख गुना अच्छी इमरान हाशमी की एक्टिंग है। तो सीरियल किसर से सीरियल किलर अगर ऑन स्क्रीन इमरान बन जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगेगा। बाकी जैसे जैसे पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड के एक्टर्स साउथ में शिफ्ट हुए और साउथ के एक्टर्स बॉलीवुड में शिफ्ट हो रहे हैं ना, इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाबू कुछ तो धमाल में बचेगा। लेकिन एक सरप्राइज ये भी है, जैसे बॉलीवुड के हीरोज वहां विलन बन रहे हैं, बॉलीवुड में भी साउथ के हीरो विलन बन रहे हैं। तो इस पर हम लाएंगे एक अलग वीडियो, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।